हेलो दोस्तों, मनमोहन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम वी लुकअप एंड एच लुकअप के बारे में सीखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है। वी लुकअप होता है वर्टिकली लुक अप, एच लुकअप इज हॉरिजेंटल लुकअप। अगर हम कोई भी डेटा वर्टिकली चेक करते हैं, वर्टिकली फाइंड करते हैं, तो हम वर्टिकल लुकअप का यूज करते हैं। अगर हॉरिजेंटल करना है तो हॉरिजेंटल। सो मैं अभी आपको दोनों बताऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पर, इफ़ वी यूज द कंपनी नेम वैल्यू, कंपनी नेम लाइक ए बी सी डी ई एफ, सेल्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कॉस्ट क्या एक्चुअल कॉस्ट थी। अब अगर हमें इस कंपनी का कंपनी नेम बी का कॉस्ट हमें यहाँ देखना है, तो हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने एक्सेल को सेटअप करने के लिए। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू देन वी लुक अप देन ब्रैकेट क्लोज। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसे आपको देखना है, मींस लेटर बी, कंपनी नेम बी है। तो ये कौन से कॉलम पे है? ये है D2 पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D2, तो कॉलम सेलेक्ट हो गया। फिर हमें कॉमा लगाना है, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर सीट पे देखना है, अभी ये पूरी एरे हमने सेलेक्ट कर ली। फिर हमें दबाना है F4 फॉर फ्रीज करने के लिए। अगर यहाँ पर आपको फ्रीज करना है इसको, तो आप F4 दबा के कर सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो। अभी हम यूज करेंगे F4 का। यहाँ पर डॉलर साइन आ गया, फिर कॉलम लगा, कॉमा लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लिखा है कॉल इंडेक्स नम, मीन्स कौन से कॉलम का डेटा हमें सर्च करना है। हमारा कॉलम है थर्ड, कंपनी फर्स्ट है, सेल्स सेकेंड है और सी थर्ड है। तो हमें थर्ड कॉलम देखना है, ठीक। उसके बाद हम यूज करते हैं फिर से कॉमा। यहाँ पर डेटा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है या फिर एग्जैक्ट मैच करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे और हमारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। मींस बी की वैल्यू, बी नाम की जो कंपनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो कॉस्ट है वो 4000 है। अब मुझे इन केस अगर नेक्स्ट चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर बी हटाया और ई लिख दिया, ओके। मैंने हमने किया एंटर। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, कॉस्ट कितना था हमारा, 1000 आ गया। अब यहाँ पर हम एफ की सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी हमने राइट किया, एंटर मारा, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी सीधे। तो इस तरीके से आपका वी लुकअप काम करेगा। दिस इज वी लुक अप। अब मैं आपको बताऊंगा एच लुकअप कैसे काम करता है। सेम कॉलम मैंने यहां पर बना रखे ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सी आपका क्या है, कंपनी नेम है। कॉस्ट जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो वो यहां पर आपको मेंशन करनी है, वैल्यू एंड देन सी। अब यहां पर हमें वी लुकअप नहीं करना है, यहां पर हमें करना है हॉरिजेंटल लुकअप, मींस हॉरिजेंटली लुकअप करना है हमें। यहां पर हम कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट क्लोज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, मींस सी देखना है हमें, कंपनी सी देखनी है। तो ये हमारे उस लुकअप में वैल्यू में होना चाहिए। यहां पर हमने क्या कहा, सी, और लेकिन हम यहां पर सी कंपनी नेम है, लेकिन हमारे किस जगह पे लोकेटेड है, किस सेल पे, ये सेल नंबर है D13, फिर कॉमा, टेबल एरे, सेम प्रोसेस, वी आर सिलेक्टिंग दिस एरे। Now, if we have to freeze this
page, phrase, disk, horizontal columns or rows. So we have to hit F4. अपने कीबोर्ड में F4 नाम की की है, इससे आपको फ्रेज हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है रो इंडेक्स, वी लुकअप में इसने पूछा था कि हॉरिजेंटल इंडेक्स नंबर कौन सा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि रो इंडेक्स कौन सा है, तो मीन्स हमें कॉस्ट देखनी है। यहाँ पर हम देखें तो 1, 2, 3 हमारे पास रो इंडेक्स हैं। पहली रो हमारी है कंपनी नेम, सेकेंड है सेल्स, थर्ड है कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट देखनी है। तो आपकी कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो हम यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट करते हैं। देन कॉमा, यहाँ पर आ गया एग्जैक्ट मैक्स और अप्रोक्सीमेट। मैक्स टू मैक्स हमें अप्रोक्सीमेट देखना पड़ता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेल है, लेकिन अगर आप सही लिख रहे हो, सही चीज़ आपने मेंशन कर रखी है, आपने एक्सेल प्रॉपर मेंटेन कर रखी है विथ पर्टिकुलर वर्ड, तो आप एग्जैक्ट मैच की तरफ जा सकते हो और इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने ये हमारा 2500 जो आंसर आया वो कैसे आया, ये आपकी सी है, सी कंपनी नेम है यहाँ पर और यहाँ पर 250 यहाँ पर आंसर है कॉस्ट का। अब यहाँ पर मे बी हम चेंज करके देखते हैं, हो सकता है फॉर्मूला सही ना लगा हो। अब हम F एंटर किया, मीन्स कोई नाम लिखा हमने कंपनी का, हम उसकी कॉस्ट देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया 1000, यहाँ पर आंसर आपका आया 1000। अगर अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं लेटर ए, तो हिट एंटर, तो 5500 हो जाता है। जहाँ से 5000, तो हमारा जो वी लुकअप और एच लुकअप है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा नई वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से वी लुकअप और एज लुकअप अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, और इसका एक्सटेंशन वर्जन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।